दिन भर में कोरोना वायरस के 181 मरीज, मोहलिक वबा से निपटने के लिए 3 अरब का फंड कायम कर दिया। मुर्तजा वहाब का बड़ा ऐलान, पीटीआई सरकार पर भी तीरंदाजी। बोले विपाक़ी हुकूमत ट्विटर से निकलकर कुछ करती तो मुल्क के हालात ये ना होते। विपाक ने पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी की और न अब मामले को संजीदगी से ले रहा है। ये मौका सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आया, यानी कि लगभग 50% तादाद है, परसेंटेज है लोगों की जो कि कोरोना वायरस का टेस्ट जिनका पॉजिटिव आया। और ये मैं वादे करूं, ये वो लोग हैं जो कि ताफ्तान बॉर्डर से सखर की क्वारंटीन फैसिलिटी में शिफ्ट किए गए थे। पिछले दिनों कुछ लोगों ने, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसे वक्त पर जब कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, कौम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे का सहारा बने, लोगों ने एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की। सियासत करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, अभी इस मामले को जिम्मेदारी के साथ फेस करने की, मुत्तहिद होकर फेस करने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगा और मैं ब्रेकअप देना चाहूँगा ताकि रिकॉर्ड पर ये चीज़ आ जाए कि कुल टेस्ट सूबाई सिंध के अंदर अभी तक कुल टेस्ट जो किए गए हैं पूरे सिंध में वो 844 हैं, 844। ये टेस्ट 3 मुख्तलिफ हस्पतालों में किए जा रहे हैं, 3 मुख्तलिफ हस्पतालों में, आखान अस्पताल, डाव यूनिवर्सिटी, ओझा कैंपस और इंडस हॉस्पिटल।